करते, अबे साले। तो कुछ काम की बात भी कर ले भाई। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे रियलिस्टिक हेयर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको लेयर बाय लेयर चलना होता है। मतलब सबसे पहले जो हेयर्स का शेप है ना, जिस तरीके से उनकी वैल्यूज़ हैं, उसको फर्स्ट लेयर में ऑप्ट करना है। उसके बाद में उसे ब्लेंड करके नेक्स्ट लेयर को ऐड करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपकी जो पेंसिल है वो एकदम शार्प होनी चाहिए, जैसे कि जो हेयर्स होते हैं ना, जो पतले पतले हेयर्स होते हैं, तो वो दिखाई पड़े उसमें, आपके जो स्ट्रोक्स लगे उसमें दिखाई पड़े। तो दूसरी बात आती है कि आपको स्ट्रोक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से लगाने हैं, जैसे हेयर्स हैं उसमें, जो रेफरेंस फ़ोटो है उसके हिसाब से ऐसे है, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे 8B 10B का यूज़ करके आपको वैसे ही स्ट्रोक्स लगाने हैं जैसे आपके हेयर्स ड्रॉ हैं रेफरेंस फ़ोटो में। अगर आप बिल्कुल ऐसे इसमत कर देंगे, पूरा घिस देंगे वहाँ पे पेंसिल, तो फिर वो शाइनी हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मतलब बीच में थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया है, जैसे कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो आप देखिएगा, और मैंने इसीलिए नॉर्मल मोड में वीडियो बनाई, टाइम लैप्स नहीं है। तो आपको होप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में बात करते हैं अगर हाईलाइट की, तो हाईलाइट ऐड करने के लिए आप पेंसिल टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेंसिल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कुछ बातें को ध्यान में रखते हुए आपको हेयर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ खास कठिन काम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, सो आई होप आपको मेरा वर्क पसंद आया होगा। तो अगर वर्क पसंद आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, तो आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे नए नए अपडेट्स जो है वो देते रहते हैं कि नेक्स्ट वर्क कौन सा आने वाला है। तो ये भी वर्क थोड़े दिन में इसका पूरा वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे।
तो आप, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं, रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक जैसा भी जिसका चाहें आप बना सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।